इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के मऊगंज से, जहां फिर मिला ओवर ब्रिज के नीचे विस्फोटक। मौके पर पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, ले जाया गया रीवा मुख्यालय। खबर बताते चले आपको विस्तार से कि आखिर पूरा मामला क्या है। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत ग्राम पटेहरी नेशनल हाईवे ओवर ब्रिज के नीचे एक बार फिर बम जैसा बॉक्स देखा गया, जिसकी जानकारी होते ही मौके पर पुलिस बल तैनात हुआ। वही तत्काल बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मऊगंज थाना अंतर्गत पटेहरी ग्राम स्थित नेशनल हाईवे सड़क ओवर ब्रिज के नीचे बॉक्स मिला है, जिसके बाद पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दिया। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल के साथ बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है और बम को डिफ्यूज करने में जुटे हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले सुहागी और मनगवा क्षेत्र में दो जगह इसी तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन उन दोनों जगह पाया गया कि विस्फोटक शरारती तत्वों द्वारा की गई हरकत सामने आई थी और अन्य सामान बॉक्स में टाइमर जैसा बनाया पाया गया था। अब इसी तरह एक बार फिर से मामला सामने आया, जहां मौके पर भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता पहुंचा और बम को डिफ्यूज करके अपने साथ ले गए। हालांकि अभी तक पुलिस अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जिसके द्वारा जांच की जा रही है काम किसी शरारती तत्वों का है या फिर सच में कोई आतंकी संगठन इसके पीछे है। सर, ये बम जो पटेरा में बम मिला है पटेरी में, ये पूरा क्या मामला है? ऐसा करीब 7:15 बजे के आसपास हमारे 100 डायल को सूचना आई थी कि पटेरी के अंडर पास पर एक बम नुमा डिवाइस रखी हुई है रेड कलर की, जिसमें तार वार कुछ लगे हुए हैं। उस पर हमारी तरह 100 डायल पर उसके बाद थाने का बल पहुँच के देखा कि हाँ, इस तरह की कोई डिवाइस लग रही है जिसमें बमनुमा टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उन्होंने तत्काल ट्रैफिक को रोका, डाइवर्ट किया, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। एसपी साहब के द्वारा तत्काल BDS की टीम रवाना की गई, साथ में मुझे भी जानकारी मिली थी, मैं भी आ गया था। हमारी BDS टीम के द्वारा उस डिवाइस को डिफ्यूज़ कर दिया गया और देखा कि वो डमी बम था, जैसा कि पहले की भी घटनाओं में निकल के आया था। और इस संबंध में सभी टीमें, जिसमें हमारी साइबर सेल की टीम, ATS की टीम और बाकी सब दूसरी एजेंसियाँ जो इस काम को करती हैं, लगातार लगी हुई हैं। लोकल पुलिस के साथ में हम लगातार UP पुलिस के संपर्क में भी हैं और वहाँ की भी इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके इस संदिग्ध के बारे में जानकारियाँ लगातार पता की जा रही हैं और ये जल्दी पकड़ा जाएगा। कोई पत्र भी मिला है? हाँ, एक पत्र मिला है, उसमें उस संबंध में जानकारी अभी देना उचित नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में अवगत कराया जाएगा। संवाददाता अभिजीत त्रिपाठी, रीवा, मध्य प्रदेश।